देखिए, इस सर्किट में सबसे पहले टोटल करंट अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपन बना लेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये नाम दे दिए। ओके, अभी यहाँ से पहला रेजिस्टेंस, पहले जंक्शन बी पे मैं पहुंच गया, तो बी जो है 3 ओम है, यहाँ पे पॉइंट बी आ गया। ठीक है, अभी बी से सी पे जाना होगा, तो बी टू सी, ये सी पे पहुंच गए, इनके बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अभी देखिए सी से डी पे जाना है, तो सी और डी के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, तो 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, 1 2 और यहाँ 3, और ये पहुंच गया डी पे। सबका रेटिंग लिख देते हैं, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 2। ठीक है, और डी से ई पे जाना है, तो डी से ई ई पे चल गया, इनके बीच में कितने 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो भी लिख दिया। अभी ई टू ए पे जाना है, तो ये भी चलते हैं, ई टू एफ, और एफ पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है अपना। ठीक है, तो एफ ये भी कितना है, 2 ओम। ओके, अब देखिए अभी सी टू डी जाना है मुझे, तो सी टू डी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं एक एक 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से बी टू ई जाना है, तो बी टू ई यहाँ पे भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया इस। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं इसी में इरेज करूंगा, तो अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले देखिए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, सीरीज। इसका सीरीज सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 + 4 + 2 यानी कितना आ गया, 8 ओम आ गया। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं इरेज करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस 8 ओम का कनेक्ट कर दें। ठीक है, अभी देखिए ये 8 ओम पैरेलल टू 8 ओम है, अगर इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये 2/8 आ गया, मतलब 4 ओम आ जाएगा। इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आएगा। तो इरेज करता हूँ, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले यहाँ पे 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे आपका सी था और ये टी था। ठीक है, ये 4 ओम। ठीक है, अब देखिए ये तीनों सीरीज दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, मतलब अगर ये तीनों का सीरीज सॉल्व करेंगे तो ये तीनों के रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा देंगे। देखिए, मतलब यहाँ से मैं ये पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो आ गया अपना 8 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अभी देखिए ये पैरेलल हो गया, अभी पैरेलल सॉल्व करेंगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है,
वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट करेंगे तो 4 ओम आएगा। तो फिर अपना सर्किट कैसे आ गया, देखिए इन दोनों के बदले यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज किया यहाँ से और यहाँ से ये कर दिया इरेज, और ये बी और देखिए बी और ई के बीच यहाँ पे आपका बी था और यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस इनके बीच ट्रेन में 4 ओम का आ गया, ये 4 ओम का। ओके अभी देखिए ये तीनों सीरीज में है तो अभी सीरीज सॉल्व करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा अपना, ये प्लस ए है और यहाँ पे सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, और इधर ये एफ है नेगेटिव टर्मिनल, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 9 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है अभी करंट टोटल करंट में निकाल लेता हूँ, मतलब आई निकाल लेता हूँ, तो आई इक्वल टू क्या हो गया वीटी अपॉन आरटी, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल करंट, मतलब V कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 अपॉन 9, मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब टोटल करंट कितना आ गया 1 एम्पीयर आ गया। ठीक है टोटल ये 1 एम्पीयर। अभी अपन चलते हैं जो इक्विवेलेंट सर्किट स्टार्टिंग में ड्रॉ किए थे वहां पे चलते हैं। अभी इस सर्किट पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल में है, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों का रेटिंग भी सेम। ठीक है अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, हो सकता इन दोनों से क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों से क्या होगा इक्वल करंट जाएगा। ओके तो मुझे 3 ओम रेजिस्टेंस का करंट कितना मिल गया 1 एम्पेयर मिल गया यहाँ पे 1 एम्पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर यहां से जो करंट जाएगा यहां से जो जाएगा करंट ये 0.5 एम्पेयर जाएगा और ये भी 0.5 एम्पेयर जाएगा। ये हर केस में नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग रहता जैसे 6 ओम रहता तो फिर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये टेक्निक इसलिए लगाया कि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। ठीक है इसलिए मैंने क्या किया, रेटिंग सेम होने की वजह से इसको दोनों करंट को क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया कैसे लगा के। ठीक है तो अभी इसका मुझे करंट मिल गया तो मैं इसका क्या करते हैं वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अगेन लास्ट सर्किट पे चलते हैं इसके प्रीवियस वाले। अभी देखिए इसी का इक्विवेलेंट जो 8 ओम आया था, ठीक है तो 8 ओम से 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा था, तो इसका मतलब इस सर्किट इससे क्या होगा, इससे भी कितने करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा।
और सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसलिए 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी कितना करंट फ्लो होगा, 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे देख लेंगे, ये सी ऑप्शन राइट है, 4 ओम के थ्रू 0.5 एम्पेयर करंट।